असलकुम आप देख रहे हैं अलिनाज़ कुकिंग यूटूब चैनल और आज हम बनाएंगे प्रॉन्स मालवानी थाली तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉन्स मसाला तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ आधा किलो प्रॉन्स ऑनियन चॉप किए हुए हैं टमाटो चेरी टमाटो है ग्रीन चिली ली है मैंने कड़ी पत्ता है लहसन चॉप किया हुआ है ज़ीरा है और अदरक आप नॉर्मल टमाटोस भी ले सकते हैं चार मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे चेरी टमाटोस लिए हैं इसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे अभी एक कढ़ाई लेंगे हम कढ़ाई में मैंने थ्री टेबल स्पून ऑयल डाला है उसके बाद ज़ीरा लहसुन अदरक और कड़ी पत्ता इसको डालेंगे दस सेकेंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे फिर उसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हमने हल्का ब्राउन कर लेना है उसके बाद हम इसमें प्रॉन्स डालेंगे और उसको अच्छी तरह से एक से दो मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे नमक मिलाने के बाद धनिया पाउडर डालेंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एक से दो मिनट तक हम भून लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर चेरी टमेटोज डालेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे भूनने के बाद ये देखिए किस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है अब इसके अंदर हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे दस मिनट बाद ये देखिए पक्के तैयार हो चुकी है हमारा प्रॉन्स मसाला अभी हम मालवानी प्रॉन्स रस्सा बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए है आधा किलो प्रॉन्स लहसन लिए चॉप की हुई कड़ी पत्ता लेंगे हम जीरा लिया है मैंने काली मिरी ली है धनिया की सीड्स ली हुई है अक्खी लाल मिर्ची है कोकोनट लिया है ने नारियल लिया हुआ है फ्रेश प्याज लेंगे हम स्लाइस की हुई टमाटर को दो मैंने मीडियम साइज के टमाटर की पेस्ट बना ली है एक पैन में एक टी स्पून डालेंगे उसमें मैंने स्लाइस किए हुए जो प्याज़ है उसको डाल के एक मिनट के लिए हम सोटे कर लेंगे ये देखिए इस तरह से इसके सोटे होने के बाद ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी फ्रेश नारियल का चुन मिला देंगे इसके अंदर उसके बाद काली मिरी डालेंगे अखा धनिया अखा ज़ीरा अखी लाल मिर्ची और सबको मिला के हम अच्छी तरह से भून लेंगे भूनने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसको ग्राइंडर में डाल के हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। देखिए ठंडा हो चुका है अभी इसे ग्राइंडर में मैंने डाल दिया है और आधा गिलास पानी डाल के मैंने उसकी पेस्ट बना ली है अभी ये कढ़ाई में थ्री टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ऑइल जैसी गरम हो जाए उसमें चॉप किया हुआ लहसन और कड़ी पत्ता मिला देंगे उसके बाद ये पिसा हुआ मसाला इसमें मिला देंगे और उसको अच्छी तरह से हमने भूनना है अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी जो टमाटर की पेस्ट है हमारी वो हम इसमें मिला देंगे और इसको अच्छे से एक से दो मिनट के लिए हमने भूनना है स्लो फ्लेम पर ढक्कन ढककर धक एक से दो मिनट बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भूनकर हो चुका है मसाला हमारा अभी इसके अंदर हम पानी मिला देंगे आधा ग्लास नमक मिला देंगे कोकम डालेंगे दो से तीन कोकम लिए हैं मैंने हरा धनिया मिला देंगे और इसको ढककर हमने पाँच मिनट के लिए पकाना है देखिए पाँच मिनट बाद इतना अच्छा जोश आ गया इसके अंदर इसके बाद इसके अंदर हमने प्रॉन्स मिला दिए और इसको मिलाकर हमने स्लो फ्लेम पर पाँच से सात मिनट के लिए और पकाना है झींगे को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि झींगा ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा ना तो वो हार्ड हो जाता है इसलिए पाँच से सात मिनट ही इसको ढककर पकाना है अभी मैंने यहाँ पर टू फिफ्टी ग्राम्स प्रॉन्स लिया है उसको नमक लगाएंगे, काली मिरी पाउडर लगाएंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे ज़ीरा पाउडर सिरका मिला देंगे फिर इसके अंदर हम अदरक लहसन की पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी झींगे को फ्राई करने वाला बैटर बनाएंगे उसमें हमने एक अंडा लिया है कॉर्नफ्लावर डालेंगे मैदा डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें वन फोर्थ कप हम पानी मिलाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसके अंदर हम काली मिरी पाउडर डालेंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अभी प्रॉन्स को हम डीप फ्राई करेंगे जो मैरिनेट करके हमने प्रॉन्स रखा था वो अब इसके अंदर ये बैटर में डाल कर इसको डीप फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से दोनों तरफ से बैटर लगाना है और इसको डीप फ्राई कर लेना है अब इसको टर्न कर लेंगे दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर के फ्राई कर लेंगे ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अब इसको हम निकाल लेंगे ये देखिए माशाल्लाह प्रॉन्स फ्राई हो चुके हैं अभी हम सोलकड़ी बनाएंगे उसके लिए मैंने लिया है यहाँ फ्रेश नारियल जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली और जीरा पाउडर और कोकम दस से बारह मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगा कर रखा है गर्म पानी के अंदर अभी एक मिक्सर जार में हम नारियल डाल देंगे और ये अदरक लहसन हरी मिर्ची और जीरा इसमें आधा गिलास पानी डालकर हम इसको पीसेंगे एक बाउल लिया है बड़ा मैंने उसमें एक स्ट्रेनर लगा दिया है अभी ये पिसा हुआ जो नारियल है वो उसमें डाल देंगे अभी मिक्सर जार में हम भीगे हुए कोकम को मिला देंगे और इसको भी हमने पीस लेना है पीसने के बाद स्टेनर में डालेंगे इसको और इसको भी हमने छान लेना है इसका तमाम पल्प निकाल लेंगे हाँ और उसका ऊपर का जो पल्प आएगा ना वो हमने फेंक देना है ये देखिए कितना अच्छा बन गया है माशाल्लाह अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और थोड़ी सी हरा धनिया चॉप किया हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे